ज्ञानवापी विवाद में समझूती प्रस्ताव पर हिंदू पक्ष वकील हरिशंकर जैन ने कहूं कि अमे एक इंच जमीन पर नहीं छोड़िए। हरिशंकर जैन ने कहूं कि भगवान की संपत्ति क्यारे पण कोई पण व्यक्ति लई शके नहीं। अमारू संपूर्णपणे मानवू छे कि आखे आखे ज्ञानवापी की संपत्ति भगवान शिवनी छे। कोईपण हिंदू ने कोईपण सनातनी पक्षना लोकोए एक इंच जमीन पर कोईपण पक्ष ने आपवानो अधिकार नथी। वाराणसीना ज्ञानवापी विवादनो मामलो हाल कोर्टमां छे, परंतु कोर्टनी बहार पण विवादने उकेलवानी कोशिशो चालू छे। परस्पर मामलाने समाप्त करवाने लईने हिंदू पक्षनी अपील बाद मुस्लिम पक्ष तरफी विवादने समाप्त करवानो भरोसो आपवामां आव्यो छे। जो के हिंदू पक्षना सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैने स्पष्टपणे कह्युं छे के कोई समझूती नहीं करिए अने काशीनी एक इंच जमीन पण नहीं आपीए। इसने समझौता ये गिव एंड टेक नहीं हो सकता है। भगवान की संपत्ति कभी भी कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है, और ये हमारा स्पष्ट बताए कि पूरी की पूरी ज्ञानवापी की संपत्ति मंदिर की वो भगवान शिव की है, और किसी हिंदू को किसी सनातन धर्मी को एक इंच जमीन भी किसी भी पक्ष को देने का अधिकार नहीं है, और एक इंच जमीन भी मंदिर की हम मुस्लिम को नहीं दे सकते हैं। देखिए, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, और ऑर्डर 23 CPC में ये क्लियर प्रोविजन है कि जब तक सारी पार्टीज एग्री ना हो जाएं तब तक कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। और एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, जो मुद्दे देश और समाज से जुड़े होते हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है, जिसमें पूरा समाज इन्वॉल्व होता है, उसमें कोई एक आदमी या पार्टीज भी चाहें अकेले सेटलमेंट करना तो नहीं कर सकती हैं। आ मामले कोर्टे बहार समझूती नी कोशिशों पर सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैने कह्यू छे कि आ लोको फूट उभी करवा मांगे छे। तेमणे कह्यू छे कि मुस्लिम पक्ष खुद पोतानी भूल माने अने मंदिर ने मस्जिद बनावाना मामले माफी मांगे। हाँ, एक बात हो सकती है कि मुस्लिम स्वयं अपनी गलती माने। कितने दिन तक मंदिर को जो तोड़कर तथाकथित मस्जिद बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी और क्यों कब्जे में रहा, तो माफी मांगते हुए वो कब्जा छोड़ सकते हैं, तो बात हम लोग की दस्त सुन सकती है। कॉम्प्रोमाइज तभी होता है जब आप कुछ अपना हक देते हैं और दूसरा आदमी अपना कुछ हक देता है। यहाँ पे बैरिकेडिंग के अंदर जितनी जमीन है उसका एक इंच भी हम देने को तैयार नहीं है। वो पूरा का पूरा जो बैरिकेडिंग के अंदर परिसर है वो हमको चाहिए, और जो जिस तरह से गलत ढंग से वहाँ पे कब्रें बनाई गई हैं, जिस ढंग से गलत ढंग से आपने हमारे मंदिर को एक मस्जिद के रूप में यूज किया है, इसमें तो मुस्लिम पक्ष को माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने गलत ढंग से एक मंदिर परिसर को गलत ढंग से यूज किया है। विश्व वैदिक संगठन तरफ थी 14 ऑगस्ट ज्ञानवापी मामला में मुस्लिम पक्ष ने पारस्परिक बातचीत द्वारा विवाद ने उकेलवानी अपील करवामां आवी हती। तेना पर मुस्लिम पक्षे सकारात्मक अंदाज में जवाब आप्यो हतो। ज्ञानवापी परिसर की देखरेख करनारी संस्था अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी पास हवे प्रस्ताव मुक्यो छे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।